कटिहार में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है और यह खबर दिल को दहलाने वाला भी है। कटिहार के ड्राइवर टोला में एक नवविवाहिता को उसके भैंसुर देवर एवं ननद ने शरीर पर एसिड छिड़क कर जान से मारने का प्रयास किया और उसे बुरी तरह से घायल कर दिया। हालांकि प्रीता का इलाज कटिहार के अस्पताल में चल रहा है। घटना को लेकर बताया जाता है कि मरवा गाँव निवासी मनोज स्वर्णकार के 25 वर्षीय पुत्री मधु देवी की शादी ड्राइवर टोला निवासी रंजीत शाह से 2 वर्ष पहले हुई थी। शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष के लोगों के द्वारा उसको लगातार प्रताड़ित किया जाता रहा था और इसी बीच नवविवाहिता मधु देवी से 40,000 रुपये की मांग ससुराल पक्ष के लोगों के द्वारा किया गया और नहीं देने पर उसके शरीर पर एसिड छिड़क कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसका उपचार कटिहार के अस्पताल में चल रहा है। अति मांगे रहे घर बनाए पैसा मांगे रहे तो हमरा एक ननद जे ननद ननदोशी भैसूर हाँ जैसा मांगे घर दहेज मांगे जे पैसा मांगे मैं करके घर बनाए पैसा दे दी। यहाँ कल कहे कि हमरा पैसा गरीब छे माय बाप कहाँ से देते हैं बस इतने में जरा दे एसिड छिटा है। कौन है आप? इनकी बेटी है। आपकी बेटी है ये? क्या नाम है इनका? आपका क्या नाम है? वहीं पीड़िता मधु देवी ने भी बताया कि ससुराल पक्ष से लगातार उसे प्रताड़ित किया जाता रहा है और लगातार उससे दहेज की मांग भैसूर ननद एवं अन्य लोगों के साथ किया जाता रहा और इसी बीच नहीं देने पर उसके शरीर पर एसिड छिड़क कर उसे जान से मारने की कोशिश की है। तेजा छिड़ दिया थे। क्या छिटा है? जाजी छिड़ दिया, भैसूर छिड़ दिया, दीदी छिड़ दिया। कहाँ छिटा तेजा? छिट दिया पूरे शरीर में छिटा है। हाँ। क्या नाम है आपका? मधु कुमारी, मधु देवी। कहाँ छिटा है? बोला था कि दहेज मांगो, मांगो पलंग मांगो दहेज के लिए। हाँ। कहाँ शादी हुआ आपका? डलावा टला कटिहार। इस मामले को लेकर कोढ़ा थाना अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि उसे घटना की सूचना नहीं दी गई है और जैसे ही प्राथमिकी दर्ज कराई जाती है तो घटना को अंजाम देने वाले सभी आरोपी पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।